प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा नू G20 प्रेजिडेंसी की उपाधि सौंपी है। तुहानू दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर नू ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा नू G20 प्रेजिडेंसी की उपाधि सौंपी। पिछले साल इंडोनेशिया ने बाली G20 नेतावां दे सम्मेलन दे विच भारत नू G20 की प्रधानगी सौंपी सी। पिछले साल 1 दसंबर नू भारत ने प्रधानगी संभाली अते देश भर दे 60 शहरां दे विच G20 दे नाल संबंधित लगभग 200 मीटिंगां आयोजित कीतियां गईयां सन। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। The track record of this successful summit meeting that was hosted by our dear country, that is India. I will be very much honored to welcome you all to the Rio de Janeiro summit in November of 2024. And before I hand the hammer here, I would like to thank very much to Prime Minister Modi and to thank to the Indian people for the competence that they had for organizing this event. Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। Your Highnesses, Excellencies, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होर नवीं खबरां देखने दे लई सब्सक्राइब करो PBX News, द ऑफिशियल YouTube चैनल।